हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सर्दियों के दिनों के लिए मूली का अचार लेकर आए हैं। तो राई, पाँच फोरन, सौंफ, धनिया, जीरा और सूखा मिर्च, और ये है कसिंदो बटा जो सरसों को पेस्ट करके बनाया जाता है वो। तो हम आगे सब अपना जितना मसाला है उसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो पहले धनिया फ्राई कर ले रहे हैं, फिर सौंफ फ्राई कर ले रहे हैं। सौंफ को मौरी बोला जाता है। आप ऐसे अचार लगा के देखिए, इंस्टेंट ही आप अच्छे, बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत दिनों तक चलता भी है। और ये है पाँच फोरन, सूखा मिर्च और जीरा। ये सब मसाले को तैयार कर लेंगे पहले। जब मसाले में से हल्का हल्का गंध निकलने लगे तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको ग्राइंड कर देंगे मसाले को। सरसों को फ्राई नहीं किया जाता, सरसों ऐसे ही दिया जाता है। ये देखिए, लंबा लंबा मूली काट चुके हैं हम। आप चाहे तो धूप में भी दे सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। हम ऐसे ही बना रहे हैं। और जो मसाला है, सारा मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये है हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। नमक, मूली में नमक ज़्यादा सोक करता है, इसीलिए नमक का क्वांटिटी थोड़ा अच्छा ही देना पड़ेगा। तो हम यहाँ 4 टेबल स्पून नमक दिए हैं। और ये है कसिंदो बटा। आप इसको मार्केट से यदि नहीं खरीद पा रहे तो सरसों को ग्राइंड करके सरसों का पेस्ट बना के भी दे सकते हैं। ये है काला जीरा, और सरसों तेल ऊपर से दे देंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा रेसिपी बनेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके फिर धूप में रख देंगे। 2-3 दिनों के बाद अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब माई चैनल।